चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है लोकसभा चुनावों से जुड़ी, ये बड़ी खबर। पांचवें फेज की वोटिंग जारी है, 7 राज्यों की 51 सीटों पर आज वोटिंग होगी जिसमें कई बड़े राज्य भी शामिल हैं। मसलन यूपी की 14 सीटों पर चुनाव है आज, इसके अलावा राजस्थान की बहुत सी सीटों पर आज चुनाव, पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव। तो यूपी की 14 सीटों पर 182 कैंडिडेटों की आज किस्मत ईवीएम में कैद होकर रह जाएगी। चुनावी मैदान में 26 महिला कैंडिडेट्स भी हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हमने बता दी। लगातार तो इस वक्त दो गेस्ट हमारे साथ, सूर्य प्रकाश मैथिल जी बीजेपी से प्रवक्ता और एके मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी आपसे शुरुआत करेंगे, अभी फिलहाल अब बजने वाले हैं 9 बजने वाले हैं, वोटिंग किस पैटर्न पर हो रही है, कितनी रफ्तार से हो रही है, क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि इन चुनावों में 2014 में जब लहर थी तो माना जा रहा था कि वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इन चुनावों में भी अगर लहर की बात ना की जाए तो कई जगह चुनावों में मतदान का रिकॉर्ड भी टूटा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए पठानिया साहब, एक चीज़ बताऊं, पिछले बार की तुलना में तो डेफिनेटली वोटिंग जो है सुस्त है, और वोटिंग ही नहीं सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी, मतलब जनता का या देश का जो पॉलिटिकल रुझान होता है, जो मूड होता है, डेफिनेटली वो सुस्त है। वो चाहे 1% से हो, चाहे जो भी हो, या इवन अगर सेम वोटिंग हो जाती है, वो जोश नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाउ इज़ द जोश, जो हाई था ना 2014 में, वो थोड़ा मुझे कम दिखाई पड़ रहा है अभी तक। 9 बजे अभी तो बहुत सुबह है, मुझे मेरे ख्याल से अभी तक वोटिंग कितने परसेंट हुई है कुछ डाटा नहीं दिखाई दिया है, लेकिन लाइनें जो है दिखाई पड़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, पिछले बार की तुलना में परसेंटेज ज़्यादा जाए। एक हेल्दी जो है वो लोकतंत्र के लिए ज़्यादा वोटिंग होना जरूरी है, लेकिन ये एक मैसेज भी है सारी पार्टियों के लिए, मैसेज है। अगर वोटिंग कम हुआ या जोश नहीं हुआ तो इसका मतलब है सारी पार्टियां और उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, चाहे वो इन हाउस यानी उनके नेता हो, या चाहे बाहर से उन्होंने कोई कैंपेन एजेंसी वगैरह या स्ट्रेटजिस्ट को हायर किया है, तो उनके भी फेल्योर पे ये क्वेश्चन है कि ये वो जोश, वो इग्निशन पैदा नहीं कर पाए अब की बार पब्लिक में। टॉप टू बॉटम लीडर के जितने भी हैं, आरएसएस का भी आप देखिए, पिछली बार आरएसएस बहुत एक्टिव थी, अब की बार आरएसएस का भी रोल जो है मुझे बड़ा मतलब लिमिटेड टाइप का दिख रहा है, ना न्यूज में उतने आ रहे हैं, ना उतनी एक्टिविटी इनकी है। खैर रिजल्ट जो भी हो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कमी है। हाउ इज द जोश अगर पूछा जाए तो मैं बोलूंगा इस बार वोटिंग और इन सब के लिए नॉट वेरी मच हाई। तो ये पार्टियों की बातों में कोई धार नहीं है, चुनाव आयोग की भी माने कि इसमें कमी रही है, क्योंकि देखा तो ये जा रहा है लगातार जब से चुनावी कवायद शुरू हुई है उसमें ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने भरसक कोशिश की है कि मतदाता बाहर निकले, मतदान पेटियों तक पहुंचे और मतदान में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत के साथ मतदान हो, ये कोशिश चुनाव आयोग की रही है। क्या कहेंगे चुनाव आयोग को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, चुनाव आयोग एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसकी मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। आप देखिए चुनाव आयोग जितने इफर्ट करती है वो कभी बहुत चर्चा में नहीं आती है, थोड़ा टीवी पे ऐड, कुछ इधर कई बार अपील कर देते हैं। मेन जो मोमेंटम बनता है ना, मैं आपको बताऊं इलेक्शन में या किसी भी देश के, उसमें वो बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, सारी पार्टियां मिलके मोमेंटम बनाते हैं। देखिए इसका भी एक साइंस होता है, किसी पार्टी ने कुछ बोला, उसके अगेंस्ट किसी ने कुछ मुद्दा लाया, तो एक मोमेंटम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता चला जाता है। विपक्ष के लिए यहाँ सबसे जो जिसको कि मैं निगेटिव मानता हूँ कि ये लोग 5 साल तक तो बहुत इफर्ट करते रहे, लेकिन जो मैं समझ रहा था कि इलेक्शन के पहले कि अब की बार विपक्ष बहुत जबरदस्त मोमेंटम बना लेगी, मोमेंटम वो क्रिएट नहीं कर पाए। बीजेपी भी वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाई है जो पिछले 2014 में था। इसका मतलब ये देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, वोटिंग परसेंट 100% जाएगा तब भी कोई जीतेगा कोई हारेगा, वोटिंग परसेंट 35% जाएगा 50% जाएगा, जीत हार तो होनी ही है। हाँ तो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैं बात प्योरली मोमेंटम की कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड वे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके स्ट्रेटजिस्ट, उनके नेता, क्या उनके पास ऐसा कोई अकाल आ गया मुद्दों का, इंटेलेक्चुअलिटी का, इंटेलेक्चुअल थॉट का, क्यों मोमेंट क्यों नहीं बना पाए, स्पेशली बीजेपी से भी बहुत अच्छा। चलिए एके मिश्रा जी आपको यहां रुकूंगा, बात करेंगे दरअसल सूर्य प्रकाश जी से, ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि मतदान का प्रतिशत इस बार पहले से कम दिखाई दे रहा है, मुद्दे क्या है वो तो बाद में जिक्र करेंगे। सूर्य प्रकाश जी बताइए कि सीधे सीधे अगर एके मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनका कहना है कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है,
जब भी ये माना जाता है कि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है तो फिर सवाल उठते हैं बीजेपी पर, क्योंकि मिडिल क्लास जो वोट है वो बीजेपी के खाते में जाता है ये माना जाता है, जनरल क्लास का वोट जो है बीजेपी के खाते में जाता है ये माना जाता है, और वही लोग जो है बाहर निकलने में दिक्कतें उन्हें महसूस होती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको इसका नुकसान इस बार वैसी वेव आप बना नहीं पाए, बात तो आप कर रहे हैं सुनामी की, लेकिन वेव उस तरीके से बनी ही नहीं पाई, सुनामी फिर किस तरीके से? देखिए पठानिया साहब, मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी मिश्रा जी ने बोला कि विपक्ष वो मोमेंटम नहीं बना पाया। देश की जनता ने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी। एक मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी स्मृति ईरानी सामने आई और पूरी 11th hour में उन्होंने भड़ा से एकदम से निकाली है, मीडिया के सामने निकाली है, भले ही ये मुद्दा संजीदा रहा हो, लेकिन आपको लगता नहीं कि मीडिया के सामने आकर इतने संजीदा मुद्दे को उछालना कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये कही जा सकती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं उल्लंघन इसे कहा जा सकता है? नहीं पठानिया जी, छोड़िए ना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, संविधान और नियम कानून, मैं भारतीयता और मानवता की बात करता हूँ। यह एक दुखद घटना है, किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा से ही भारत में जरूरतमंद स्पेशली वैद्य यानी जो डॉक्टर हैं उनकी भूमिका क्या रही है, उनके कर्तव्य क्या हैं, ऐसे ही सवाल जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो जो सुसेन वैद्य थे रावण के, उन्होंने भी यही बोला था कि मैं दुश्मन के वो है, आप है तो मैं नहीं जाऊंगा। उनको हनुमान जी ने बोला था आप केवल एक वैद्य है और वैद्य का कर्तव्य होता है कि प्राणी मात्र मानव मात्र के प्राण अगर संकट में है तो आप चलिए और इलाज करिए। इससे वो इतने प्रभावित हुए थे कि जाके अपने दुश्मन का भी इलाज किया था जिस हॉस्पिटल वाले ने। अच्छा मिश्रा जी, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा में पोलिंग बूथ पर ग्रेनेड से धमाका किया गया, इस वक्त की ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में भी आपको बता दें अनंतनाग में वहां पोलिंग हो रहा है कुछ बूथों पर, और इसके अलावा आपको बता दें कि वहां की लद्दाख सीट पर भी आज पोलिंग है। सूर्य प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा जिस तरीके से आप वोटिंग प्रतिशत की बात कर रहे थे उससे आपको कितना फायदा कितना नुकसान होता है, पहले वो बताइए, और दूसरी खबर पर आएंगे। अभी जो ब्रेकिंग आई है, बम धमाके लगातार जारी हैं। देखिए पटानिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने स्मृति ईरानी जी के रिलेटेड एक बात बोली कि ये संजीदा मुद्दा था और इस तरीके से ये मुद्दा क्या मीडिया के सामने उठाना चाहिए था, और क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तो नहीं था? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक स्मृति ईरानी जी भी एक देश की बेटी हैं, ममता मई हैं, पिछले 5 साल में उन्होंने अमेठी को छोड़ा नहीं, वो हर गरीब के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती रही, लड़ती रही, और अमेठी जो कितने सालों से गांधी परिवार का भी, प्रियंका जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी वो बोल रही थी कि कांग्रेस का जो गांधी परिवार है उसके संग एक अटूट संबंध है, तो यह अटूट संबंध दिख रहा है कि वो राहुल गांधी जी एक हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है, ये तो एक मुद्दा, एक एक व्यक्ति की जानकारी हमें मिल गई। नहीं सूर्य प्रकाश, मैं सिर्फ एक मिनट पठानिया साहब इस मुद्दे पे मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, सुनिए नहीं, चुनाव के दिन नहीं, वो मृत्यु अभी एक दिन पहले हुई, उसकी जानकारी यदि स्मृति जी दे रही हैं तो इसमें कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं आता। और रही बात जहां तक, एक बात और कि किसी भी गरीब की आवाज को भारतीय जनता पार्टी दबने नहीं देगी। गांधी परिवार ने इस देश के करोड़ों गरीबों के खून से अपने हाथों को रंगा है, इतने देश के युवाओं का भविष्य खराब किया है, आज 23 तारीख को उसका पूरा हिसाब होगा। चलिए ठीक है, मैंने पढ़ा लिया जी, एक मिनट। हाँ, मेरे उस सवाल का भी जवाब दे देना, आप अपनी बात भी पूरी कर लेना। सवाल ये कि 50 लाख आयुष्मान कार्ड जो है बनाने की बात की जा रही है, महज ये एक मामला जो सामने आया, राहुल गांधी उस हॉस्पिटल के हो सकता है ट्रस्टी है, और ये बेहद संजीदा मामला है अगर ऐसे इस तरीके से नाम उतर किया गया और उसके बाद जान गई, बेहद संजीदा मामला है। लेकिन ये भी हिसाब देना होगा आपको कि महज ये एक मौत इस वजह से नहीं होगी, आयुष्मान कार्ड किसके बने हैं, कितना इलाज अस्पतालों में चल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है, कई ऐसी मौतें हुई। छोड़िए ना आप आयुष्मान कार्ड और इनकी, बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है जी। मैं बोल रहा था कि सुसेन वैद्य ने जा करके अपने कर्तव्य को निभाया, अपने मोरल कर्तव्य को निभाया, दुश्मन को भी चिकित्सा दी,
पहला चीज ये है कि वो हॉस्पिटल किसी का भी हो, मानवता सारी राजनीति और राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के होती है, उसको उस चीज का इलाज करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का वोटर रहा हो चाहे जो। स्मृति ईरानी जी को मैं बोलता हूँ, आप ममता में ही है, मान लिया सब कुछ है, हाँ आपका कैंप चल रहा है, आप एक महीने से वहां पे पड़े हुए हो, वहीं पे पड़े हो और आपका मरीज वहीं पे मर जाता है और आपको पता नहीं चलता, आपको मैं तब मानता। मिश्रा जी एक बात बताइए, नहीं छोटी सी बात, मुझे बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, आप खुलकर जवाब दीजिए, बात को सुन के हंस रहा हूं, एक बात बताइए मुझे कि यदि वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में गया तो क्या वो हॉस्पिटल के बाहर स्मृति ईरानी कैंप लगा के बैठेगी।